तो चलिए देखते हैं हम लोग इसे इंटीग्रेट करना है। काफ़ी आसान है लेकिन ट्रिग्नोमेट्री है, पहले डराती है आपको, है ना। तो थोड़ी सी पेशेंस रखिए और थोड़ा सा देखिए ट्रिग्नोमेट्री को, आप झेलने की कोशिश किया करिए अगर आपको डर लग रहा है तो, और अगर पहले से बहादुर है तो अच्छी बात है ना। तो कॉस 2x ऊपर है, अगर नीचे हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर दें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 2 sin x cos x। ये तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, लेकिन आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी भी दिखनी चाहिए, है ना। ये बड़ा पॉपुलर आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है आपका, 1 होता है, और ये 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x का फॉर्मूला है। तो ट्रिग्नोमेट्री भी अप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा cos 2x और अपॉन 1 plus sin 2x। तो अभी तक तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे थे, लेकिन अब तो हमें थोड़ा इंटीग्रेशन दिखने लगा है। और आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, देखिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को देखिए। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन जो होगा 1 का 0 हो जाएगा, और sin 2x का, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, और बाकी कॉन्स्टेंट आएंगे, 2 आएगा, उसे मैनेज कर लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर है। तो कौन सी फॉर्म हो गई, f(x) / f(x), मतलब log ऑफ मॉड f(x) आएगा, है ना। इसे डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो जैसा हम लोग पहले किया करते थे, लेकिन अभी हम सब्स्टिट्यूशन से बता दे रहे हैं, तो हमें पता है कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है ना। f(x) को हमेशा t पुट करते हैं हम लोग, u भी, जो भी पुट करना चाहिए करिए। तो हम कहेंगे 1 plus sin 2x को हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, t सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये लेट किया है हमने, है ना। 1 का 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, और sin 2x का साइन का कॉस हो जाएगा, और 2x का 2 हो जाएगा, dx = dt। लेकिन हमारे पास क्या है, cos 2x dx सिर्फ है, ये 2 नहीं है, तो 2 को उस साइड में ले जाइए। कांस्टेंट वैसे भी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पूरा क्वेश्चन आप कन्वर्ट कर दीजिए वेरिएबल टी में, या डमी वेरिएबल टी कहें। तो ऊपर cos 2x dx dt हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 1/t। और ये तो काफ़ी आसान है, ये किसका 1/t किसका डेरिवेटिव होता है, लॉग टी का डेरिवेटिव होता है। इसका मतलब 1/t का एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड टी। अच्छा, ये आपके बुकों में लॉग दिया होता है ना। लॉग का मतलब होता है base 10, लेकिन बुकों में जो लिखा होता है वो विथ बेस ई होता है ना, जबकि उन्हें ln लिखना चाहिए। ये हमारे इंडियन राइटर की प्रॉब्लम है ना, वो ऐसे ही करते हैं, लॉग को बेस 10 को बेस ई समझाते रहते हैं हम लोगों को। खैर, फॉरेन राइटर बुक पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। प्लस सी हो गया, ये क्या हो गया, टी को आप डमी वेरिएबल को हटाइए, क्या रखेंगे टी को, 1 plus sin 2x। तो ये आपका आ गया लॉग ऑफ 1 plus sin 2x + c, दैट इज योर फाइनल आंसर।